हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता तो है, गर्मी बहुत हो रही है आजकल। कल तो 47 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, तो इसी वजह से आज हमने एक वाटर पार्क में जाने का प्लान करा है। और यार मुकुल, कहाँ है मुकुल भाई? हेलो गाइस, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया है, थोड़े से सैंडविच हैं और चाय हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सीधा वाटर पार्क के लिए निकलते हैं। ठीक है मुकुल? ठीक है, तू भी चलेगा? अभी नाश्ता वगैरह तो कर लिया और अभी चलते हैं सीधा। और ये रजत, मुकुल और भैया हरिद्वार से आ रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं। ओ मेरे रांझे, बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी, ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी, चुलबुली करे जो झक जोरी, क्यों ना। अभी उत्तराखंड का बॉर्डर पार ही करा था और रास्ते में पेट्रोल ही खत्म हो गया। हमने ध्यान में दिया कितना पेट्रोल है कितना नहीं, बट भरवाना तो था। और पेट्रोल पंप भी चले गए थे बट हमने ध्यान नहीं दिया। और रास्ते में ये दोनों धक्का लगाना पड़ेगा इन दोनों को। और तेल लगाओ भाई, पेट्रोल पंप आने वाला थोड़ी दूर है। क्या? हाँ तो लगाते रहो, 1.5 किलोमीटर हो चाहे 3 किलोमीटर हो। तो फाइनली अभी पेट्रोल पंप मिल गया थोड़ी दूर चलने के बाद, तो अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं। सूरज की किरण आने दे मेरे मित, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। और अभी वाटर पार्क तो आ चुके, इसका नाम है क्रिस्टल वर्ल्ड थीम पार्क। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये है, यहाँ पार्किंग फ्री है कार की भी और बाइक की भी। अगर आपको कुछ खाना हो बाहर से तो आप यहाँ खा भी सकते हो। वैसे तो वहाँ अंदर भी है खाने के लिए इसमें क्रिस्टल वर्ल्ड में। और बाकी अगर आपको KFC या कोई और कुछ खाना हो अलग से, पिज़्ज़ा हट वगैरह, वो सब इसके साइड में ही है, आप यहाँ जाके खा सकते हो। तो अभी अंदर चलते हैं सीधा। और भैया भी आ गए हरिद्वार से। आप भी अरे भैया, शौर्य कहाँ है मेरा? शौर्य तो घूम रहा है पूरा। शौर्य आ जा, ये रहा ये रहा ये रहा शौर्य यहाँ गया है। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। हम सब तो आ गए हैं और अभी गांव से भी आ रहे हैं भैया। और अभी क्रिस्टल वाटर पार्क है हरिद्वार में, जैसे हरिद्वार को देवभूमि बोलते हैं ना पूरे उत्तराखंड को। तो अभी हरिद्वार से है 15-20 किलोमीटर दूर है। और हाईवे पे ही अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो रुड़की पार करते ही आपको ये मिलेगा क्रिस्टल वाटर पार्क। और अभी हम यहीं पे हैं, तो अभी टिकट वगैरह लेते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ पे जो टिकट है वो 900 रुपये का है अडल्ट का, और चाइल्ड का है 700 रुपये। और वीकेंड पे ये टिकट हो जाता है 1000 का और 800 का। और जो 3 फीट से छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, और जो 4 फीट से नीचे हैं और 3 फीट के बीच में उनके लिए है 700 का, और जो 4 फीट से ऊपर हैं उनके लिए है 900 का। तो भी हम देखते हैं कौन सा पैकेज लेते हैं और खाने में क्या क्या है। और जो खाने में मील मिलेगी आपको, ये वो है जो आप एक्स्ट्रा 300 पे करोगे खाने के लिए। उसमें नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है और चाइनीज़ प्लेटर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। और इसमें अम्यूजमेंट पार्क भी है, उसके प्राइजेज ये रहे। और ऊपर क्या है, फन पासिस 3 in 1। और जो ये वाटर पार्क है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, और अंदर जाके देखेंगे इसमें कितनी राइड हैं, कैसी कैसी राइड हैं, और बाकी आप सबको भी दिखाएंगे। तो अभी फाइनली सब आ गए, ये वाले भैया भी आ गए और हमारे दिव्या टिकट ले रहे हैं वहाँ से। हमने 1100 वाली टिकट ले हैं, उसमें क्या क्या है, उसमें नॉर्मल टिकट है और म्यूजियम का है। खाने का नहीं लिया, खाना अंदर से खुद ले लेंगे, क्योंकि क्या पता खाने में क्या मिले क्या ना मिले। तो अभी टिकट ले लिया और सीधा अंदर चलते हैं। अभी ले ले टिकट, हाँ जी दो बच्चे हैं तुम्हें, गिरने का तो बंद गया। अभी पहले म्यूजियम जा रहे हैं, म्यूजियम का टिकट ये रहा। और म्यूजियम के लिए ई रिक्शा में जाएंगे, ये रही ई रिक्शा, इनकी ई रिक्शा है, यहाँ से म्यूजियम तक जाती है। सारे तो ई रिक्शा में जा रहे हैं, पैसे लगे अलग से। वहाँ पे है म्यूजियम बोरा, क्या आ गए म्यूजियम। इंडिया सेलिब्रिटी म्यूजियम, और ये कुछ यहाँ से बाहर का सीन है। और सब भी आ गए, ये रहा 3D स्ट्रक्चर महात्मा गांधी जी का, और बाबा गांधी जी का 3D स्ट्रक्चर। भैया जो वृंदावन गए थे ना, वो भी 3D था। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे असली है। और ये हमारे कुंवर भाई जी, सलमान खान भाई जी, ये दीपिका पादुकोण 3D स्ट्रक्चर बिल्कुल रियल लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कुछ दिन में उठा लूं। अमिताभ बच्चन जी कौन बने हैं करोड़पति से? हमारे क्रिकेट चैंपियन विराट कोहली, और यहाँ पे 3D पेंटिंग है क्या? और ये देखो स्केटिंग कर रहे हैं भैया। अभी म्यूजियम तो घूम लिया और अभी सीधा वाटर पार्क में जा रहे हैं। म्यूजियम में इतना मजा नहीं आया क्योंकि भाई फोटो वगैरह देखनी थी और कुछ तो था नहीं वहाँ प्रैक्टिकल, बट अभी सीधा वाटर पार्क में जा रहे हैं। ये एंट्री यहाँ से, और एंट्री करते हैं आपको कुछ ऐसे लाफिंग बुद्धा देखने को मिलेंगे, और इसके ऊपर लिखा है क्रिस्टल वर्ल्ड, और इसे अंदर वाटर पार्क है। यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रैगन है 19वीं सदी का। अभी लॉकर वगैरह तो ले लिया हमने सामान रखने के लिए, और अंदर जा रहे हैं अभी चेंज करने के लिए, और एक फोन है कवर भी ले लिया पानी में ले जाने के लिए, कुछ गारंटी तो है नहीं इसकी। अभी चेंज वगैरह करके हम आ चुके हैं अंदर क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पूल में। ये मोनू भैया हमारे, और हम भी आ चुके हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. I'm better. और ऊपर जाना है क्या? वो भाई साहब कितने ऊपर से जाना? और क्या नाम है? टाइगर, टाइगर बॉडी स्लाइड है एक तो, और देखते हैं कौन कौन सी है। तो अभी यहाँ 3-4 स्लाइड है, गोरिल्ला है, ड्रैगन है, तो अभी तो गोरिल्ला वाले में चलते हैं, और ये तो भी है। चलो बाहर को अरे बचा लो भैया। सुना था बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके। अभी इधर की तो ये वाली साइड राइड ट्राई कर लिया, और अभी जो पीछे देख रहे हो आप उस वाली राइड पे जाएंगे। भाई साहब ये देखा रास्ता, वाइट वाइट में दिख रहे होंगे आपको, ब्लू वाले में करेंगे। आगे आगे लगाई दो रे भैया। कैसा लगा, कैसा लगा? डर लगा ना बहुत ज्यादा, झूल चुका सुसाइड पॉइंट में, और अभी एक रेड वाला है उसमें जा रहे हैं। ये वाला है ना रेड वाला, इसमें जा रहे हैं अभी।
हालत देखो इनकी हालत। ये वाली राइड तो मैंने कर चुकी है, ऊपर से है सुसाइड पॉइंट। इसमें बहुत डर लगा, बहुत ज्यादा। अभी भैया रह जा रहे तो मुकुल ने ही स्विमिंग सीखी। ये स्विमिंग पहले नहीं आती थी, अभी सीखी है ना, वाटर पार्क में आते आते। क्या हाल है मुकुल? नोनी ने भी यही सीखी। पता क्या हुआ, विशाल में जा रहे थे इस वाले में, येलो वाले में, वहाँ पे ऊपर चले गए। उन्होंने कहा ऐसे लेट के जा रहा, हम मना कर दी, मुझे वहाँ से मैं नहीं आ रहा। आ गया वहाँ से, क्यों नहीं आए उधर से उतर के? डर लग रहा था बहुत ज्यादा। कैसे, क्यों? मैंने पूछा प्लेट भी सही है, कह रहा भाई कुछ नहीं पता, मुझे प्लेट का नहीं, रिस्क नहीं लेने का। नीतिका और मुकुल आएंगे अभी इधर से, उल्टे घुसाना पड़ा ना। नीतिका मुकुल आएंगे अभी इधर से। नीतिका रजत, हाँ वापस आ गई। ये देखो क्यों आगे भर जाऊंगी बीच में। रजत भैया आ रहे फिर उधर से। और ये कुछ वेव की टाइमिंग है यहाँ पे। अभी हम सारी जगह घूम तो लिए, वो भी कर लिया, सारी चीज़ कर लिया, बट जो झूले वगैरह हैं वे नहीं करे। और ना था टाइम अभी करने का, तो भी चेंज वगैरह कर लिया। और बच्चा आइसक्रीम खा रहे हैं, और अभी फिर थोड़ा वो खाना पीना खा के फिर सीधा घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी एक ये बात है कि आपको सारी चीज़ ओन MRP मिलते हैं। जैसा कि कहीं कहीं होता है ना कि MRP ज़्यादा पे करना पड़ता है आपको, बट यहाँ ऐसा नहीं है। और आपको यहाँ जगह जगह पर RO देखने को मिल जाएंगे, तो आपको बोतल खरीदने की भी जरूरत नहीं है, RO आपको जगह जगह मिलेंगे, तो आप वहाँ से पानी पी सकते हो। अभी ये सारे झूले में जा रहे हैं 360 वाले, मैं तो जाने का, मुझे तो डर लगता है, वो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वरना उल्टी हो जाएगी। और ये सारे जा रहे हैं, कैसा लग रहा? रीतिका की आग देखो, रीतिका और मुन भैया। ओह डर लगा, बहुत डर लगा भाई, कितना? बहुत ज्यादा। इस वजह से तो मैं गया नहीं। उस वाले में चलेंगे, उस वाले में, हाँ उसमें चलेंगे, उसमें। कैसा लगा? मजा आया? कैसा रहा एक्सपीरियंस ब्रो? हो चिल्ला तो ऐसे रहते, कैप्चर है इसमें, वीडियो कैप्चर्ड है। डर नहीं लगा? हाँ हाँ लगा। और तेज ना करियो, ये तो आपकी लैंग्वेज। अभी बुलबुल के ऊपर चढ़ते हुए, मतलब रजत बुल के ऊपर चढ़ते हुए, क्या हो गया? और अभी जा रहे हैं मिरर मेज में, तो भी हम सबने पन्नी तो पहन ली, ग्लव्स, क्योंकि मिरर पे हाथ ना लगे। अभी जा रहे हैं सब। अभी खाना खाने के लिए आए हैं। भूख कितनी देर लगी? भूख कितनी देर लगी? हालत भी खराब हो चुकी, पानी में नहा के बाल भी रफ से हो गए। और अभी खाना ऑर्डर कर दिया हमने, खाना आ रहा है। ऑर्डर आ चुका, हमने मंगाया दाल मखनी, पनीर वगैरह, और रोटी और प्लेट। चलो भाई शुरू करो। हमने खाना तो खा लिया। ओ भाई मैं मुंदे मुंह पड़ जाता जाके।
और सुधरी हुई है पहले से, तो अभी सीधा अपनी बाइक की तरफ चलते हैं और घर के लिए निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया। भैया कह रहे हैं अंधेरा हो गया तो हरिद्वार चलना हमारे साथ, बट हमें अपने घर ही जाना है, हरिद्वार बाद में जाएंगे कभी, तो अभी चलते हैं सीधा बाइक की तरफ। और आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सिडी भी होती है चैनल को जरूर जरूर लाइक कर देना, नहीं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक ही अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट भी कर दियो, एक कमेंट भी कर देना, चलो एक कमेंट भी कर देना, जब बेचारे इतने बोल रहे हैं सारे, कर देना एक कमेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।